शांति भंग करने के आरोप में कांगड़ा पुलिस ने पूर्व सीपीएस नीरज भारती सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 5 व्यक्ति ज्वाली तहसील से संबंधित है, 3 धर्मशाला व 1-1 व्यक्ति शाहपुर व नगरोटा बगवां से संबंध रखता है। जानकारी के अनुसार पुलिस थाना धर्मशाला के तहत कंड कड़ियाना में पूर्व सीपीएस नीरज भारती अपनी जमीन की साइट देखने गए हुए थे। इसी बीच कंड कड़ियाना पहुंचे नीरज भारती ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक भड़काऊ पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने कहा कि वह धर्मशाला आए हुए हैं, जिस किसी को भी मिलना है वह आकर मिल सकता है। इस पोस्ट के सोशल मीडिया पर आने के बाद धर्मशाला और शाहपुर तहसील से संबंध रखने वाले 4 लोग कंड कड़ियाना पहुँच गए। इस दौरान दोनों पक्षों में हल्की नोकझोंक हुई, जिसकी सूचना किसी ने पुलिस को दे दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में पूर्व सीपीएस नीरज भारती सहित 10 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस थाना धर्मशाला लाया। वहीं डॉक्टर खुशाल शर्मा एसपी कांगड़ा ने कहा कि शांति भंग करने के आरोप में कांगड़ा पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए धर्मशाला से मिलन की रिपोर्ट। शांति भंग करने के आरोप में कांगड़ा पुलिस ने पूर्व सीपीएस नीरज भारती सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 5 व्यक्ति ज्वाली तहसील से संबंधित है, 3 धर्मशाला व 1-1 व्यक्ति शाहपुर व नगरोटा बगवां से संबंध रखता है। जानकारी के अनुसार पुलिस थाना धर्मशाला के तहत कंड कड़ियाना में पूर्व सीपीएस नीरज भारती अपनी जमीन की साइट देखने गए हुए थे। इसी बीच कंड कड़ियाना पहुंचे नीरज भारती ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक भड़काऊ पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने कहा कि वह धर्मशाला आए हुए हैं, जिस किसी को भी मिलना है वह आकर मिल सकता है। इस पोस्ट के सोशल मीडिया पर आने के बाद धर्मशाला और शाहपुर तहसील से संबंध रखने वाले 4 लोग कंड कड़ियाना पहुंच गए। इस दौरान दोनों पक्षों में हल्की नोकझोंक हुई, जिसकी सूचना किसी ने पुलिस को दे दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में पूर्व सीपीएस नीरज भारती सहित 10 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस थाना धर्मशाला लाया। वहीं डॉक्टर खुशाल शर्मा एसपी कांगड़ा ने कहा कि शांति भंग करने के आरोप में कांगड़ा पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए धर्मशाला से मिलन की रिपोर्ट। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइफ टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी। हर हफ्ते केवल लाइफ टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजें अपना वीडियो 82198-00003 या 82198-00004।